प्रोग्राम काफी उम्दा प्रोग्राम रहा और मैं खान हाफिज जी को सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा जो ये काम करते हैं, जो गरीब मजलूम और जितने जो अपंग और बेवा जो होते हैं उनके लिए जो मदद करते हैं। जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रोड पर जो घूमते जिनका कोई नहीं है उनके साफ सफाई करके उनके बाल काट के नए कपड़े पहना के उनको एक मतलब उनके घर पर छोड़ के आते हैं। ये फिर दूसरा दलितों और मुस्लिम के ऊपर खास जो गरीब है उनके ऊपर खास ध्यान दे रहे, उनको जितना हो सके की मदद करते हैं। और मैं देखता हूँ आए दिन रोज मतलब वीक के अंदर दो तीन प्रोग्राम इनके देखते रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इनके साथ में रहकर इनको मदद करूँ और ये ग्रुप कैसे मजबूत हो ये मेरी सोच है। पार्टी आई हुई है संस्था में वो कितना भुगतान देगी? वो साबिर भाई ने बात की है इनसे और आगे भी एक बात की है कि इसकी एक अच्छे से संस्था डेवलप की जाए, एक कमेटी बनाई जाए और वो संस्था के थ्रू एक ऐसा पूरा एक एरिया बनाया जाए ये इस ऐसे लोगों के लिए कि जिनका कोई होता नहीं है, जिनकी कोई हेल्प नहीं करता, जिनको कोई रखने के लिए रेडी नहीं होता। तो आगे की बात है वो साहब और संस्था वाले और जो कमेटी बनेगी वो लोग मिलकर आगे तय करेंगे। मंजिल आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन नहीं है, अल्लाह के भरोसे निकलेंगे तो अल्लाह जरूर कामयाब करेगा। मेरा नाम महबूब खान है लेकिन ये झूला बाबू नगर बुरा चौक मैदान के सामने ये प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत ये है, खूबी ये है कि एकदम झूठ प्रोग्राम, जैसा कि आप मीडिया बंधु जानते होंगे कि जहाँ तक मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस और एनालिसिस है कि सफाई कामगार का अब तक शायद इस तरह के सम्मानित समारोह प्रोग्राम को देखा। एक्चुअली क्या है कि असल जो है ना हकदार सम्मान जैसा मैंने कहा भारत में